नमस्कार, स्वागत है आपका माई ज्योतिष में। आखिर क्यों बनाई जाती है गुप्त नवरात्रि का दूसरी नवरात्रि से अलग होने का क्या कारण है? बसंत और शारदीय नवरात्रि गृहस्थों और सामान्य जनों के लिए है, परंतु गुप्त नवरात्रि संतों और साधकों के लिए है। यह साधना की नवरात्रि है, उत्सव की नहीं, इसलिए इसमें खास तरह की पूजा और साधना का महत्व होता है। यह नवरात्रि विशेष कामना हेतु तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए होती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से कई प्रकार के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। अघोर तांत्रिक लोग गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। यह नवरात्रि मोक्ष की कमाने से की जाती है। बसंत या शारदीय नवरात्रि को प्रत्यक्ष और बाकी को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा होती है, परंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना और कठिन व्रत का महत्व होता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति, सिद्धि, मोक्ष हेतु मनाया जाता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की प्रमुख देवी महापार्वती हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ काली हैं।